और इस बीच रुक करें बड़ी खबर का, उन्नाव केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। पीड़िता को दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता का इलाज होगा और उसको एयरलिफ्ट करवाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, लखनऊ पुलिस को ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं सेतर, लेकिन रेप पीड़िता को एयरलिफ्ट कराने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं और शाम 6:30 बजे तक दिल्ली लाया जा सकता है पीड़िता को। पीड़िता को एयरलिफ्ट कराने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीड़िता की जो तबीयत है, जो सेहत है, उसमें सुधार नहीं आ रहा होगा स्वयं, और यही वजह है कि अब एयरलिफ्ट कराने की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज किया जाएगा, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। शाम 6:30 बजे तक दिल्ली लाया जा सकता है। आपको बता दें कि पीड़िता बुरी तरह से झुलसी हुई है और पेट्रोल छिड़ककर पीड़िता को आग के हवाले कर दिया गया था और अब एयरलिफ्ट की तैयारियां की जा रही है। लखनऊ पुलिस को ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लखनऊ से संतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, किस तरह की हालत है पीड़िता की, कब तक एयरलिफ्ट कराया जा सकता है? देखिए, पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। जैसा कि शुरुआत से ही डॉक्टर इलाज जो कर रहे थे उन्होंने कहा कि 90% पीड़िता जल गई है, लिहाजा गंभीर बनी हुई है। और इसी को देखते हुए जो डायरेक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के थे, उन्होंने कमिश्नर लखनऊ से इस बात की सिफारिश की थी कि बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया जाए। इसको लेने के बाद अब 6:30 बजे के आसपास ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल से लेकर के एयरपोर्ट तक लो ट्रैफिक जोन बनाया जाएगा, जहां पर कोई भी गाड़ी सिवाय पीड़िता को ले जाने वाली एम्बुलेंस के अलावा कोई दूसरी गाड़ी नहीं चलेगी। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा, एयरलिफ्ट कराया जाएगा एयर एम्बुलेंस की मदद से। पीड़िता को अब इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाएगा। जी संतोष, कौन कौन से अधिकारी मौजूद है? डॉक्टरों से आपकी बात हो पाई होगी कि किस तरह की हालत उनकी अभी बनी हुई है और आखिर कैसी क्या परिस्थिति बनी कि अब दिल्ली भेजना पड़ रहा है? देखिए, चूंकि पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है और वो 80% से 90% जल चुकी है और सरकार की तरफ से भी इस बात का वादा किया गया कि पीड़िता के साथ न्याय होगा और पीड़िता के बेहतर इलाज के लिए सरकार खड़ी है, हर भरसक प्रयास किया जाएगा। लिहाजा सफदरजंग अस्पताल में चूंकि बर्न यूनिट का स्पेशलाइज्ड यूनिट है, लिहाजा सरकार ने इसमें इनिशिएटिव लिया है और पीड़िता को एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। करीब 6:30 बजे के आसपास एयर एम्बुलेंस आ जाएगी लखनऊ एयरपोर्ट पर, उससे पहले यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, यानी पूरे ट्रैफिक को रोक करके एम्बुलेंस से पीड़िता को सिविल अस्पताल से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, वहां से एयरलिफ्ट कराकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया जाएगा। जी संतोष, आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ग्रीन कॉरिडोर इस वक्त बनाया जा रहा है और उसके बाद पीड़िता को सीधा एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जाएगा। बड़ी खबर आपको ये हम उन्नाव केस से जुड़े हुए दे रहे हैं।